प्रशांत काले एक छोटे जाति का लड़का है जिसके पिता मछुआरे हैं। प्रशांत पढ़ाई के साथ ही पुरानी क्रिकेट टीम का कप्तान भी है। अर्चना पाटिल एक अमीर और उची जाति की लड़की है जिसके पिता जमींदार और राजनेता है। अर्चना को ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल चलाने में मज़ा आता है। प्रशांत और अर्चना एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते हैं और बाद में एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं। अर्चना के छोटे भाई के जन्मदिन के दिन वे दोनों घर के पीछे ही मिलते हैं और अर्चना के परिवार वाले उन दोनों को साथ में देख लेते हैं। अर्चना के पिता तात्या प्रशांत की और उसके दोस्त की खूब पिटाई करते हैं। तात्या उसके और उसके दोस्तों के खिलाफ पुलिस में झूठी शिकायत दर्ज कराने की कोशिश करता है पर अर्चना उस शिकायत को नष्ट कर देती है। प्रशांत और अर्चना किसी तरह घर से भाग जाते हैं और हैदराबाद चले जाते हैं। नए शहर में उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। काफ़ी कोशिशों के बाद भी वे दोनों बहुत कम कमाई कर पाते हैं। इसी बीच उन दोनों में बहस भी हो जाती है और अर्चना वापस जाने का फैसला कर लेती है, लेकिन वापस जाने से पहले ही उसका मन बदल जाता है और वो प्रशांत के पास वापस आ जाती है। दोनों रजिस्ट्रार ऑफिस में शादी कर लेते हैं और जल्द ही उनका एक बेटा भी होता है। कुछ सालों के बाद उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाती है और वे तीनों अच्छी जगह पर हंसी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन अर्चना अपनी माँ को फोन कर अपने बेटे को फोन थमा देती है। फोन पर बात करने के बाद प्रिंस और उसके दोस्त उस उपहार के साथ आते हैं जो अर्चना की माँ ने भेजे हैं। उनका बेटा आकाश अपने पड़ोस में जाता है। अर्चना और प्रशांत मिलकर प्रिंस और उसके दोस्तों का अपने घर में स्वागत करते हैं और चाय पिलाते हैं। आकाश अपने घर वापस आता है और देखता है कि उसके मम्मी पापा जमीन पर खून से लथपथ होकर मरने की कगार में है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।